बादल अलग ही लग रहे हैं। हाँ वैसे धूप थोड़ा बहुत है, मतलब उतना ज़्यादा सूरज दिख नहीं रहा है, सूरज वहाँ पे बादल के पीछे छुपा हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बज रहा है, फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा नहाना भी कंप्लीट हो गया है और बाहर क्या मस्त हवा आ रहा है। आज धूप काफ़ी ज़्यादा कम है और वो इधर देखो आसमान देखो, बादल क्या मस्त लग रहे थे वो, और मस्त हवा चल रहा है, धूप कम है, मस्त हवा चल रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है। मुझे थोड़ी देर में निकलना है, अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मुझे खाना खा के, मम्मी भी आ गई है, मुझे खाना खा के निकलना है अभी बहनाचीटी के लिए, बहनाचीटी में एक काम है तो वहाँ पे जाना है। थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ, खाना का पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद रेडी होकर थोड़ी देर में निकलता हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह पूजा भी कंप्लीट हो गया मंदिर में, जय श्री कृष्ण। लेकिन बाहर का वेदर आज अलग ही है, देखो एक सेकंड, चलो मैं छत से दिखाता हूँ, छत से और भी मस्त लगेगा। ये देखो वेदर, देखो क्या मस्त लग रहे हैं ना बादल, इस साइड में भी देखो। बादल आज अलग ही लग रहे हैं। हाँ वैसे धूप थोड़ा बहुत है, मतलब उतना ज़्यादा सूरज दिख नहीं रहा है, सूरज वहाँ पे बादल के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन सूरज का तापमान जो है वो थोड़ा बहुत तेज है, मतलब आँख अगर ऊपर कर रहा हूँ ना तो आँखों में रोशनी काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ऊपर ज़्यादा देर तक रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बादल आज मस्त है, ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ी जगह पर आ चुका हूँ, ये अंडाल जैसा लग ही नहीं रहा है। और आज हवा भी मस्त चल रहा है, घर से निकल चुका हूँ बेनाचिटी के लिए, अभी धूप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वेदर तो ऐसा ही है सुबह की तरह मस्त हवा चल रहा है, धूप बस थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन बादल देखो चारों तरफ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ बादल मस्त ही लग रहे हैं। तो निकलता हूँ अभी, मैं पुल के पास में चलता हूँ, टोटो पकड़ता हूँ और सीधा अंडल में पहुँचता हूँ, वहाँ से मिनी बस में जाना पड़ेगा, बेनाचिटी सुपर बस चलता नहीं। के पास में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे एक के बाद एक टोटो है, यहाँ पे देखो है वहाँ पे लाइन बाय लाइन टोटो रखा हुआ है, लेकिन एक भी जाने के लिए तैयार नहीं है, पैसेंजर ही नहीं है अभी। अभी जो थ्रू टोटो पास करेगा ना उसमें मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन बाय लाइन तो आप सारे टोटो हैं, यहाँ पे ये टोटो भी फिल नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, अभी तो उस साइड से कुछ टोटो आ नहीं रहा है स्टेशन से, उधर खाली है, मैं बीच रोड में खड़ा हूँ, अभी साइड में चलता हूँ, उधर सामने खड़ा होता हूँ। लाल मोड़ में आ चुका हूँ और एक बस भी आ रहा है, अब देखना यह है कि वो बस दुर्गापुर सिटी सेंटर वाला है कि बेनाचिटी वाला, बेनाचिटी वाला बस ज़्यादा रेट नहीं करवाते, मतलब हर 2 मिनट के बाद एक ऐसा है, 2 या 5 मिनट के बाद, ये वाला बस मुझे यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा है। पास आने देते हैं फिर देखते हैं कौन सा बस है, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वाला बस नहीं हुआ तो इसके पीछे एक बस है, वो वाला बस तो डेफिनेटली होगा, दोनों में से एक तो बेनाचिटी का होगा ही, फिर निकलेंगे। अभी 10:30 बज रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा वाला है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला, नहीं ये वाला तो नहीं है, ये सुपर है, तो इसके पीछे वाला शायद बेनाचिटी का होगा उसमें से। मैंने तो बस गेस ही किया था, लेकिन देखो बैग वाला जो बस है वो रानीगंज बेनाचिटी का बस, बेनाचिटी का ही बस है, तो इसमें चलते हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लग नहीं रहा है ज़्यादा भीड़ है, अंदर चलते देखते, बैठने का जगह नहीं मिला भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेनाचिटी नहीं ज़्यादा दूर तो है नहीं, जल्दी पहुँचने, पीछे वाला सीट शायद खाली है, चलो चलते हैं। पहुँच गया हूँ हाजी बिरयानी के पास में, और इधर SBF सिनेमा हॉल जो है ये सामने वाला है, वो यहाँ से कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, तो जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है वो कुछ आदमी भेज रहे हैं, वो लेके जाएंगे यहाँ से मुझे, और मैं जा रहा हूँ इंतजाम कंडक्ट करने के लिए, तो अंदर क्या हालत है मुझे अभी पता नहीं है, देखते हैं यहीं आसपास में कहीं पर होगा, इधर नहीं तो इधर, मैं इससे पहले कभी नहीं आया हूँ, ये पहली बार है इसलिए मुझे पता नहीं है, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, वैसे हवा चल रहा है लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा सा छाव ढूंढता हूँ और अभी खड़ा रहता हूँ इंतज़ार करता हूँ, मुझे कोई लंच लेने के लिए आएगा तो तब तक इंतज़ार करते हैं। चलो अपना काम खत्म, आधे घंटे के अंदर, ज़्यादा काम नहीं था, एक छोटा सा एग्ज़ाम था, 25 क्वेश्चन थे सारे, ये जो राइटर्स के होते हैं ना जो ATM में पैसे डालने जाते हैं उनका ही कुछ एग्ज़ाम था, ATM कस्टोडियन टाइप का कुछ एग्ज़ाम था, वो ख़त्म हो गया, अभी बस 12 बज रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया इस टाइम पर और हवा भी बंद हो गया चलना, मैं यहाँ सामने इस गली से निकलता हूँ और सामने से मुझे बस मिल जाएगा डायरेक्ट अंडाल मोड़ के लिए, वो बस पकड़ते हैं और चलते हैं। देखो बात करते करते हवा चलना फिर से स्टार्ट हो गया, आज वेदर मस्त है, वैसे आज उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, 1 घंटे का काम था मेरा, उसके लिए मुझे वहाँ से आना पड़ा और अभी फिर से वापस जा रहा हूँ, और कुछ काम नहीं है, सामने चलते हैं थोड़ा पानी वानी पीते हैं, फिर निकलते हैं। आ गया वो सामने देखो,
ये बैनर की उखड़ा बस है, मतलब अंडल मोड तो जाएगा ही, इसमें निकलते हैं। और फोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है बाहर गर्मी की वजह से। ये लो सामने आ गया। मोड़ पे तो पहुंच गया हूं, अब सीधा घर चलते हैं। इतना मस्त वेदर है, मस्त हवा चल रहा है, धूप भी चला गया है, बस बारिश हो जाए थोड़ी देर में तो मैं निकलता हूं। सामने टोटो स्टैंड है, यहां से टोटो पकड़ता हूं और सीधा चलते हैं बाज़ार के लिए। बाज़ार में पहुंच चुका हूं, अभी नीला ग्राउंड के पास में हूं। ये देखो यहां पे कुछ तो काम चल रहा है, पाइप बैठे हुए हैं, जेसीबी है, रोड का हालत ख़राब है, कुछ तो हो रहा है। बाज़ार मस्त है और बादल धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं। शाम पे टाइम वैसा है, बारिश हो सकता है काफ़ी तेज़। वो मेरा तो और कुछ प्लान नहीं है अभी, मैं सीधा चलता हूँ। वो देखो आगे जा रहा है टैंकर ट्रक। अगर बेबी ये सब चीज़ देखता ना तो उसको बहुत मज़ा आता है, ये सब चीज़ देखने में वो उसको बहुत मज़ा आता है। और मैं तो घर आके थोड़ा सा सो गया था, अभी सुकू था दौड़ने के लिए गया, उसके लिए लोअरनी लेके जा रहा हूँ। सुरभि के पास में जो गियर ग्राउंड है वहाँ पर मेरे पीछे अपोजिट में सुरभि है, देखो गाइस। और दिन दिन पता नहीं अंडाल का जो व्यू है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगा है। अभी देखो यहाँ पे क्या मस्त लग रहा है ना, अलग ही लग रहा है। आसमान, पेड़, बादल सारे, इस साइड का भी देखो। यहाँ पे तो बैडमिंटन खेले जाते हैं ज़्यादातर सर्दी के टाइम पे। अभी तो बच्चे वैसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। और मैं जियर ग्राउंड के पास में आ चुका हूँ। वो जो सामने बाउंड्री दिख रहा है वो जियर ग्राउंड का ही है, बस इस साइड से गेट नहीं है। गेट के लिए मुझे थोड़ा सा राइट में जाके और घूमना पड़ेगा, तब मिलेगा। अंदर हो चुका है गाइस और मैं घर में वापस आ चुका हूँ। सुकू तभी आ गया तो बिल्लू जी घर में कहीं पर मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पर हर टाइम रहते हैं इसके अंदर कहीं पर भी, लेकिन अभी यहाँ पर भी नहीं है, तो शायद बाहर इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे, अभी तो दिख नहीं रहे। फिलहाल मैं चलता हूँ इंटरनेट कैफे में, वहीं पर बैठता हूँ थोड़ी देर, 7:30 बजे के आसपास टाइम है। और आज के लिए ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।